पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के अंतर्गत गुना रेलवे स्टेशन पर आम नागरिकों की सुविधाएं हेतु 100 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज, प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर लिफ्ट और आरोन बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग और स्टेशन के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया। इसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर के पी यादव, विशिष्ट अतिथि गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भोपाल मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरबनकर मंचासीन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री यादव ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता को सुविधा और विकास के लिए मैं सदैव तत्पर हूं और इसी के तहत गुना रेलवे को मॉडल स्टेशन बनाना मेरा सपना है। ये चालू किया है कि हमेशा मैं लोगों से सत्र के पहले सुझाव मांगता हूं कि जो भी आप लोगों के सुझाव आते हैं, भाई मैं भी यहीं पला बड़ा हूं, मुझे भी कई चीज़ें पता है क्योंकि मेरा एजुकेशन यहां भी हुआ, इसके बाद मैं बाहर भी रहा, तो यहाँ में और अन्य क्षेत्रों में जो अंतर है उस अंतर को मैं मिटाना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र भी विकसित हो, यहाँ पर उद्योग भी आए और सभी तरह की सुविधाएं भी हमें उपलब्ध हों जो अन्य क्षेत्रों में मिलती हैं, उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और आप मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग बीच बीच में मुझे अपने अमूल्य सुझाव देते रहें और मेरी ये इच्छा भी है कि हम लोग बीच बीच में हर महीने 2 महीने में बैठें भी ताकि अच्छे सुझाव आएँ और इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए सब लोग मिलकर। आपको बता चुका हूँ हमारा जिला उसमें ले लिया गया था, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सेंक्शन भी आ गया था, जमीन का भी चयनित हो गया था, चयनित हो चुकी थी बजरंगगढ़ के पास जमीन, पर यहाँ की प्रदेश सरकार ने इस तरह का जवाब वहाँ भेजा कि हमारे पास ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज है इसलिए हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी पेंडिंग में है वो चीज़। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यहाँ जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था वो शायद बंद है, बंद हो गया, और मैंने ये ऊपर भी अवगत कराया है, रिक्वेस्ट की है कि वो तो बंद है, तो इसलिए हमारे ज़िले में चूंकि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और यहाँ पेशेंट की मात्रा भी बहुत है, क्योंकि लगा हुआ राज्य जो है राजस्थान, इवन वहाँ से कई पेशेंट आते हैं, अशोकनगर से आते हैं, सरवंश तरफ से आते हैं, तो ये मेडिकल हब के रूप में जाना भी जाता है गुना, यहाँ कई दूर दराज से मरीज आते हैं, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है।